Hello friends, now let's continue with the topic friction. मैं आज दो तीन problems और कराता हूँ और इन दो तीन problems के द्वारा friction के concept को further समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, this is a rough horizontal table placed with a block of mass m. This is a block of mass m, and let us say this block is having mass of 5 kg. And this is rough horizontal table. This is a rough horizontal table having finite value of coefficient of friction. And coefficient of static friction is 0.1 and coefficient of kinetic friction is 0.08. This is the coefficient of friction. This is a rough horizontal friction. Coefficient of static friction is 0.1 and coefficient of kinetic friction is 0.08. अब आप एक बात देखिए, as I told you, static friction and kinetic friction, they differ by a slight magnitude. देखिए आप, static friction की value थोड़ी ज्यादा होती है और kinetic friction की value थोड़ी कम होती है. Coefficient of kinetic friction 0.08 मैंने दिया है और coefficient of static friction 0.1 दिया है. Now, it's applied by a force F. It's applied by a force F. This block is applied with a horizontal force F, and this horizontal force F is not constant, it's time variable. Horizontal force F varies with time, and its variation with time is given by a function, let us say it's equal to 5t Newton. Here t is time in seconds. T is time in seconds. मतलब मास m पर आप फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो, जीरो टाइम पर फोर्स जीरो है, एक सेकेंड के बाद फोर्स होगी 5 न्यूटन, दो सेकेंड के बाद फोर्स होगी 10 न्यूटन, एंड सो ऑन. इस तरीके से फोर्स बढ़ती जा रही है. लेट अस से मैं मास को भी क्या करता हूं, 10 kg कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा मास बढ़ा दिया जाए 10 kg, और फोर्स इस तरह से बढ़ रहा है. नाउ माय क्वेश्चन इज, प्लॉट अ ग्राफ फॉर फोर्स वर्सेस टाइम, फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस टाइम एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम. प्लॉट फॉर, प्लॉट अ प्लॉट ग्राफ फॉर फोर्स versus time, frictional force versus time, and lastly acceleration versus time. यह मैंने पूछा है, इस सिचुएशन में ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा, ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा, ब्लॉक पर लगने वाला ब्लॉक का एक्सीलरेशन टाइम के साथ वह कैसे वेरी करेगा, दैट इज द क्वेश्चन. और इन तीनों ग्राफ को हमको एक साथ बनाना है और फिर समझना है. देखिए, हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं. इस एक्सिस पर मैं टाइम प्लॉट करूंगा और इधर फोर्स वर्सेस टाइम, इस जगह पर मैं फ्रिक्शनल फोर्स
वर्सेस टाइम, और इस जगह पर मैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। आप एक बात समझ जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी वुड एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एन वुड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू एम जी, टेक जी एस 10, हम इधर दे देते हैं, टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी, इट्स 10 इंटू 10 और 100 न्यूटन। अब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा एफ आर एस, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एस इंटू एन, दैट इज म्यू एस की जगह पर 0.1, एन की जगह पर 100। सो एफ आर एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी 10 न्यूटन, एंड एफ आर के मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी म्यू के इंटू एन, दिस इज 0.08 इंटू 100, और एफ आर के मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी 8 न्यूटन्स। अब हम जरा देखें, एक्टिंग फोर्स, फोर्स वर्सेस टाइम, इट वुड इंक्रीज लीनियरली लाइक दिस, इस तरीके से लीनियरली इंक्रीज होएगा। दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड, दिस इज 5 सेकेंड। 1 सेकेंड पर यह फोर्स होगा 5 न्यूटन, 2 सेकेंड्स पर यह फोर्स होगा 10 न्यूटन, 3 सेकेंड्स पर यह फोर्स होगा 15 न्यूटन, 4 सेकेंड्स पर यह फोर्स होगा 20 न्यूटन, और 5 सेकेंड्स पर यह फोर्स होगा 25 न्यूटन, एंड सो ऑन। इस तरीके से यह फोर्स, एक्टिंग फोर्स, इंक्रीजेस लीनियरली लाइक दिस। यह हमने फोर्स वर्सेस टाइम बना दिया, फोर्स वर्सेस टाइम। अब इंटरेस्टिंग थिंग इज फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस टाइम। अब देखिए, टाइम फ्रेम जो हम लेंगे वो यही लेंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, जब एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस 10 न्यूटन, जब आप फोर्स लगा रहे हो, तब इधर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स वुड अपोज द इंपेंडिंग मोशन ऑफ द मोशन, और जब तक यह फोर्स 10 न्यूटन से कम है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, और जब तक अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन से कम है,
तब तक इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। यह फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होगी, इधर 5 न्यूटन इधर 10 न्यूटन। यह फ्रिक्शनल फोर्स न्यूटन्स में है। फ्रिक्शनल फोर्स जब एक्टिंग फोर्स 0 तब फ्रिक्शनल फोर्स भी 0, एक्टिंग फोर्स जब 2 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन, एक्टिंग फोर्स जब 5 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स वह भी 5 न्यूटन। इस तरह से यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती जाएगी और यह अपने आप वैल्यू एडजस्ट करेगी, जितना अप्लाइड फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। मगर जैसे ही यह फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन हुई, जैसे ही इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी, बिल्कुल उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती, इसके बाद यह ब्लॉक मूव करने लगेगा। और जब यह ब्लॉक मूव करने लगेगा तो वहां पर फिर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगी, जिसकी वैल्यू है 8 न्यूटन। एक बार यह फ्रिक्शनल फोर्स 0 न्यूटन से बढ़के 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन 6 न्यूटन 7 न्यूटन 8 न्यूटन 9 न्यूटन और 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होने के बाद एकदम से वह ब्लॉक मूव करने लगा। और जैसे ही वह मूव करने लगा तो वहां जो कंडीशन है वो स्टैटिक नहीं रहेगी, वह काइनेटिक। अब वो ब्लॉक मूव करने लगा है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वह 8 न्यूटन है। एकदम से यह एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और कम होकर फिर यह कॉन्स्टेंट 8 न्यूटन पर 8 न्यूटन लगने लगेगा। दिस वैल्यू इज 8 न्यूटन्स। इस तरीके से यह फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एकदम से कम हुई। और इस फिनोमेना को समझना है। अब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, देखिए टिल 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स, 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक जितना एक्टिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे अपोजिंग फोर्स भी बढ़ते जा रहा है और वह ब्लॉक बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 रहेगा, ब्लॉक वुड नॉट मूव। दिस इज स्टैटिक और स्टेशनरी ब्लॉक ओवर 2 सेकेंड्स। और 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, मैं इधर लिखता हूं, फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स ब्लॉक वुड रिमेन स्टेशनरी, एक्सीलरेशन वुड बी 0। एंड जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड वाइल वेन इफ टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेकेंड्स इट मूव्स और एक्सीलरेट। अब उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 5t माइनस FR के मैक्स वुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आई कैन राइट दिस, 5t इज द फोर्स एक्टिंग, 5t इज द फोर्स एक्टिंग, FR के मैक्स इज 8 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 5 इनटू a, और द एक्सीलरेशन वुड बी, आई विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन वुड बी t माइनस 5/8 1.6। दिस वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन
if t is greater than equal to 2, for t greater than equal to 2, this would be the expression for the acceleration, and the graph would look something like this. Ekdam se acceleration start hoega 0.4 se. Dekhiye, when t equal to 2, to 2 minus 1.6, 0.4. 0.4 se acceleration start hoega. Aur fir vaha badhta hi jayega. This value is 0.4. और फिर उसके बाद यह एक्सीलरेशन बढ़ता ही जाएगा इस तरह से लीनियरली. दिस वुड बी एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम. आफ्टर 3 सेकेंड्स इट वुड बी 1.4. आफ्टर 4 सेकेंड्स इट वुड बी 2.4. After 5 seconds, it would be 3.4 and so on. This would be acceleration versus time. बड़े ध्यान से इस पूरे graph को, इस पूरे problem को देखिए. अब मैं note लिख देता हूँ. In this region, block remains stationary. Here we have got, मैं इधर note लिखता हूँ, adjustable static friction. इसको मैं कहता हूं एडजस्टेबल स्टैटिक फ्रिक्शन. यह जो है 0 से 2 सेकेंड तक, जैसे जैसे एक्टिंग फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, सच दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. जैसे ही ब्लॉक मूव करने लगा तो वहां पर स्टैटिक के बजाय काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, और इस जगह पर मैं नोट लिखता हूं कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन, कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन. यह तो फोर्स वर्सेस टाइम है, जैसा इक्वेशन दे रखा है हमने इक्वेशन को देखा और इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ बना दिया, और वह इक्वेशन बिल्कुल लीनियरली दे रखा है. फोर्स वर्सेस टाइम इंक्रीसेस इज गिवन बाय फाई टी. इट मींस फोर्स इंक्रीसेस लीनियरली विद टाइम. एट 0 सेकेंड फोर्स इज 0, आफ्टर 1 सेकेंड फोर्स इज 5 न्यूटन, आफ्टर 2 सेकेंड फोर्स इज 10 न्यूटन, आफ्टर 3 सेकेंड फोर्स इज 15 न्यूटन. वही चीज मैंने बना रखी है, 1 सेकेंड के बाद 5 न्यूटन, 2 सेकेंड के बाद 10 न्यूटन, 3 सेकेंड के बाद 15 न्यूटन, 4 सेकेंड के बाद 20 न्यूटन, और इस तरह से लीनियरली फोर्स इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ. मगर फ्रिक्शनल फोर्स का वेरिएशन यह देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स का वेरिएशन कैसे भाई, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, तो उधर से मैंने निकाला पहले नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, मास की जगह m 10 kg, g की जगह 10, mg इज 100. स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, द मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस म्यू एस इनटू एन, म्यू एस की जगह 0.1, एन की जगह 100, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होएगा 10 न्यूटन. और मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.8. इस जगह पर हम यह देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस दैन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू एन, इट्स म्यू के इनटू एन, दैट इज 8 न्यूटन. तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पर 10 न्यूटन होगा, और इसके बाद एक बार वह ब्लॉक जैसे ही हल्का सा फोर्स बढ़ेगा वह ब्लॉक मूव करने लगेगा, और जैसे ही वह ब्लॉक मूव करने लगा वैसे ही वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन एक्ट करने लगेगी. अब इस वजह से क्या हुआ, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक एट रेस्ट फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड पर हम कहेंगे ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग, ब्लॉक
just start moving. और एक बार जब वह मूव करने लगा तो एकदम से वह एक्सीलरेट होते हुए ही मूव करा, 0.4 एक्सीलरेशन से ब्लॉक मूव करना चालू करा और फिर उसका एक्सीलरेशन बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि एक्टिंग फोर्स बढ़ते जा रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो गया है। अब वो किस इक्वेशन से मूव करेगा? एक्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्टिंग फोर्स है 5t, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो अब एक्ट कर रहा है वह 8 न्यूटन इज इक्वल टू 5 into a। सो एक्सीलरेशन वुड बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। मैंने 5 से डिवाइड कर दिया t माइनस 1.6, बट दिस एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन वुड होल्ड फॉर टाइम ग्रेटर देन 2 seconds। हम कहेंगे फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 एक्सीलरेशन इज 0, फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 seconds एक्सीलरेशन इज टी माइनस 1.6। दिस इज द इक्वेशन दैट वुड होल्ड फॉर एक्सीलरेशन विथ टाइम। फॉर टाइम लेस देन 2 seconds एक्सीलरेशन इज 0, फॉर टाइम ग्रेटर देन 2 seconds एक्सीलरेशन इज टी माइनस 1.6। दिस इज द कंप्लीट सिचुएशन। बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम को, इसके सोल्यूशन को, इस ग्राफ को समझें। इधर मैंने यह समझाने की कोशिश करी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में हल्का सा डिफरेंस होता है, किस तरीके से फोर्स बढ़ाते जाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स पहले एडजस्ट होता है, ब्लॉक स्टेशनरी रहता है, फिर एक पर्टिकुलर लिमिट पर एकदम से वह ब्लॉक मूव करना चालू करता है, एक्सीलरेट करना चालू कर देता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। नोट इट डाउन, अगले प्रॉब्लम से मैं अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। प्लीज चलिए, नाउ लेट मी इलस्ट्रेट अनदर कंसेप्ट। वंस अगेन अ प्रॉब्लम, वी हैव गॉट अ ब्लॉक, इट्स मास इज 8 kg, अनदर ब्लॉक हैविंग मास 3 kg placed over it. This is a block, its mass is 8 kg, another block having mass of 3 kg placed over it, and the coefficient of friction between the two blocks is 0.3, let us say. The coefficient of friction is 0.3. Now, what maximum force must be applied on this block such that the 3 kg block must not slide over it? Maximum value of F such that 3 kg block must not slip over it, over 8 kg block. Now this is the situation, this is the question. अब जरा सोचिए, सबसे पहली बात, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? यदि फ्रिक्शन नहीं होता, ये पूरा सेटअप जो है वो किसी फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा हुआ है, यदि फ्रिक्शन नहीं होता इन दोनों ब्लॉक के बीच में, तो यह ब्लॉक तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी रहता और उसके नीचे यह 8 kg ब्लॉक पूरा का पूरा आगे निकल जाता और यह ऐसा कैसे नीचे गिर जाता?
फ्रिक्शन की वजह से जब यह 8 केजी ब्लॉक आगे मूव करेगा तो अपने साथ 3 केजी ब्लॉक को भी साथ साथ में लेकर चलेगा। मगर यदि हमने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दिया, उस ज्यादा ही फोर्स की वजह से कुछ ज्यादा ही एक्सीलरेशन हो गया तो यह 3 केजी ब्लॉक इस बड़े ब्लॉक के ऊपर स्लिप करने लगेगा, स्किड कर जाएगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जाएगा नहीं, रिलेटिवली इसके रिलेटिव में पीछे की तरफ जाने लगेगा। अब देखिए मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। इफ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे, मैं इसको कैपिटल मास एम लिखता हूं, इसको स्मॉल मास एम लिखता हूं, फोर्स एफ मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, और एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम, और एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू एफ अपॉन 11। This must be the acceleration of the complete system. अब जरा सोचिए, हम यदि सिर्फ इस छोटे से ब्लॉक की बात करें, हम इस छोटे से ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, यह ब्लॉक, यह 3 केजी ब्लॉक है और यह 3 केजी ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। अब जरा सोचिए इस ब्लॉक को एक्सीलरेट कर कौन रहा है, फोर्स तो इस ब्लॉक पर लग रहा है, फोर्स तो इस ब्लॉक पर लग रहा है, इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है, उस ब्लॉक के साथ में यह ब्लॉक यदि एक्सीलरेट होता हो रहा है तो इस ब्लॉक को एक्सीलरेट कर कौन रहा है, इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। इनफैक्ट यह छोटा ब्लॉक इस बड़े ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा ब्लॉक इस छोटे ब्लॉक पर आगे की तरफ लगा रहा है। इस 8 केजी ब्लॉक, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय 3 केजी ब्लॉक ओवर 8 केजी ब्लॉक, यह 3 केजी ब्लॉक इस ब्लॉक को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। आप इस ब्लॉक को आगे खींच रहे हो, आप जब इस ब्लॉक को आगे खींच रहे हो तो यह जो छोटा ब्लॉक है वह इस ब्लॉक को आगे जाने से रोक रहा है और इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा वाला ब्लॉक इस छोटे वाले ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगा रहा है, और यह फ्रिक्शनल फोर्स ही इस 3 केजी ब्लॉक को एक्सीलरेट कर रहा है। हियर, मैं इस पॉइंट को ब्रैकेट में नोट में डालूंगा, हियर frictional force is accelerating the 3 kg block. इस 3 kg block को accelerate करने वाला जो force है वह frictional force है। अब जरा सोचिए, ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन n अपवर्ड डायरेक्शन में, हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, एंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, सो एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 kg और 3 इनटू एक्सीलरेशन, मैं तो अभी पहले वेरिएबल टर्म्स में ही लिखता हूं, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मास इनटू एक्सीलरेशन की जगह मैं लिखता हूं एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग देयर। अब सो फ्रिक्शनल फोर्स इज एम एफ अपॉन
m upon m, m plus m. This is the frictional force. Up. But this frictional force must be less than equal to maximum available frictional force. Main idhar likhta hoon, Fr max. Maximum available frictional forces mu into n or Fr max. Maximum available frictional forces mu into mg. I'll say this acting frictional force must be less than equal to Fr max. यहां कभी भी maximum available frictional force से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि maximum available frictional force is the maximum value. कहीं पर भी जब frictional force act करेगी तो एक particular limit mu n से ज्यादा नहीं होती है. इससे ज्यादा यह acting frictional force है. This acting frictional force इधर मैं लिखता हूं, acting frictional force है, और यह acting frictional force maximum available frictional force के बराबर या इससे कम होना चाहिए. It means I'll write mf upon m plus m. This must be less than equal to maximum available frictional forces mu mg. So I'll rearrange this. Force must be less than equal to mu m plus m into g. Force must be less than this value. You can solve it. Force must be less than equal to mu ki jagah hum rakhenge 0.3, m plus m ki jagah par hum rakhenge 11 into 10, or force must be less than equal to 33 newtons. If force exceeds 33 newton, फोर्स जब 33 न्यूटन से कम होएगा तो इसका एक्सीलरेशन जो है वह थ्री मीटर्स पर सेकेंड से कम होएगा. और जब वह 3 मीटर्स पर सेकेंड से कम होएगा तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी, इस ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी वह मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स से कम होएगा. जबकि यदि एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स 33 न्यूटन से एक्सीड कर जाएगा, 33 न्यूटन से एक्सीड कर जाने पर यह ब्लॉक आगे की तरफ जाने लगेगा और इसके ऊपर रखा हुआ यह ब्लॉक पीछे की तरफ स्लिप करने लगेगा, स्किड करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, और वहां पर फिर इन दोनों की रिलेटिव मोशन होने लगेगी. अब इस प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखें. इस प्रॉब्लम में एक सबसे बड़ा कंक्लूजन तो यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स किसी बॉडी को, किसी ब्लॉक को, किसी सिस्टम को एक्सीलरेट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ अपोजिंग ही होता है. फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मगर रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए यह कई बार ब्लॉक्स को एक्सीलरेट भी करता है. सो फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी एक्सीलरेटिंग फोर्स फॉर एनी सिस्टम एस वेल. और इस सिचुएशन में एक मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है, तब तक यह ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट पर है. उस फोर्स की वैल्यू से एक्सीड कर जाने पर यह ब्लॉक इसके ऊपर मूव करने लगेगा. इस जगह पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ऑल्दो द कंप्लीट सिस्टम इज मूविंग, इट्स इन डायनामिक्स, यह पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, मगर
इस जगह पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है वह स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए यह जो लिमिटिंग कंडीशन निर्धारित होगी, इस लिमिटिंग कंडीशन के लिए हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। दिस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इस बात को बड़े ध्यान से देखने की, समझने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखें, कंसेप्ट को ध्यान से देखें। अगला प्रॉब्लम समझाऊंगा मैं।